आप कुरान में देखिए, कुरान में लफ्ज अमल अमल 365 टाइम्स आया है, 365 दफा आया है। आसान अल्फाज में कहूं, कुरान में कोई हॉलीडे कोई संडे नहीं है, हर दिन वर्किंग डे है, हर दिन काम करना है, हर दिन एफर्ट डालनी है, हर दिन अपने आप को खुदा के नजदीक करना है, अपने मकसद के अच्छे मकसद के नजदीक करना है। और यही वजह है कि अल्लाह इस मेहनत से आजाद मौजजा करने वालों को भी नहीं रखता था। हजरत आदम मौजजा था, हजरत नूह हाथ में मौजजा, तमाम नबियों के हाथ में मौजजा था। वो चाहते तो मौजजे से रिस्क कमाते, लेकिन अल्लाह ने उनसे भी कहा मेहनत करो, कोशिश करो, जो कोशिश करेगा उसको मिलेगा। हत्ता अंबिया ने जो एक दफा जमीन से खाक उठाकर उसे गौहर बना सकते थे, उसको खजाना बना सकते थे, अल्लाह ने उनसे कहा ये नहीं करना, मेहनत करके कमाओ, मेहनत करके खाओ, मेहनत करके लोगों को अपने अपनी तरफ लेकर आओ। नहीं कहा मौजजा दिखाओ, सबका दिल बदल दो, सबकी नीयत बदल दो। ईसा मुर्दों को जिंदा करते थे, जो मुर्दों को जिंदा कर दे वो अपने सामने जिंदा लोगों को हिदायत दे दे। नहीं, एफर्ट डालो, ये जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, आपने इन्हें कन्विंस करके लाना। तो अल्लाह ने वहां भी मौजजे ने खा, इवन उनके रिस्क और रोजी के लिए। हजरत नूह कारपेंटर थे, वो कारपेंटर थे तो अपने लिए रिस्क का बंदोबस्त करते थे। हजरत दाऊद लोहार थे, हजरत इदरीस टेलर थे, कपड़े सीते थे दूसरों के। हजरत हूद और सालेह बिजनेस करते थे, ट्रेवल करते थे। हजरत याकूब और यूसुफ वो किसान थे, फार्मर थे। हमारे अपने नबी रसूल अल्लाह चरवाहे शेफर्ड थे, वो जाते थे दूसरों के जानवर लेकर। अमीर अल मोमिनीन मजदूर थे, लेबर थे, दूसरों के बाग में काम करते थे तो रोजी कमाते थे। अल्लाह ने हर एक के लिए सही, हर एक के लिए कोशिश, हर एक के लिए जद्दोजहद रखी। कोई ऐसा नहीं है जो हाथ पे हाथ रखे मौजजा होता रहे और आसमान से उतरे। खुदा को कसल, खुदा को सुस्ती, खुदा को हाथ पे हाथ धरे बैठे रखना, खुदा को लेजीनेस नहीं पसंद। अपनी नेक ख्वाहिशात तक पहुंचने के लिए आप अगर आज अच्छी नीयत कर लें तो आपको उसके लिए एफर्ट डालनी है। परवरदिगार आलम सूरह